रोजगार की बात करते हैं, ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं। ये सच्चाई है। एक भी भाषण में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, देखो राहुल गांधी ने नहीं कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, एक मिनट भैया, भैया ठहर जाओ, डिस्टर्ब मत करो। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, पत्रकार ने उनसे पूछा, कहा कि देखो अनिल अंबानी को यह हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट आपने क्यों दिया? फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि अगर फ्रांस की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अनिल अंबानी को देना ही पड़ेगा। मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति पत्रकारों को कह रहा है, खुल के कह रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है। मगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में अब बोलता ही नहीं है, राफेल के बारे में एक शब्द नहीं कहता, अनिल अंबानी के बारे में एक शब्द नहीं कहता, क्योंकि चौकीदार। अच्छा, अब चौकीदार से छत्तीसगढ़ चलते हैं, चिटफंड की बात करते हैं। 5000 करोड़ रुपए जनता का पैसा चिटफंड में बर्बाद हुआ। अलग अलग कंपनियां आई, रमन सिंह जी के मित्र, इन्होंने कंपनी खोली, आपने उसमें अपना पैसा डाला और फिर कंपनी वाले भाग गए और आपका जबरदस्त नुकसान हुआ, आपको पैसा वापस नहीं मिला। इंक्वायरी हुई, कोई जेल गया, किसी को सजा मिली? नान घोटाला, पीडीएस घोटाला, 36000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से चोरी किए जाते हैं। डायरी पाई जाती है, डायरी में साफ लिखा है सीएम मैडम को पैसा गया। ये सीएम मैडम कौन है? मैं रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, ये सीएम मैडम कौन है जिनका नाम डायरी में आया? डायरी में डॉक्टर साहब का भी नाम आया, डॉक्टर साहब को पैसा दिया, ये डॉक्टर साहब कौन है? तो सच्चाई है कि चाहे वो सच्ची छत्तीसगढ़ हो, रमन सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी हो, खुल के भ्रष्टाचार करते हैं। चाहे वो राफेल हो, नान घोटाला हो, चिटफंड हो। अच्छा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल चला गया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को जेल में डाला क्योंकि उसका नाम पैनामा पेपर्स में आ गया। और छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर का बेटे का नाम पैनामा पेपर्स में आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कार्रवाई होगी, चाहे वो दिल्ली में हो या छत्तीसगढ़ में। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको हम पकड़ के अंदर कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। अब मैं आपको यहां आके, मतलब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, मतलब कि मैं मोदी जी जैसे कहते हैं ना भैया, चांद को मैं उधर से इधर कर दूंगा, हाँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा, ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा। मगर मैं आपको ये बता दूंगा, आप एक काम करो, आप अगर यहां पंजाब, मिनी पंजाब कहा जाता है ना, हाँ नहीं, मगर इसका मिनी पंजाब, आप इसको मिनी पंजाब कहते हो, आप एक काम करो, यहां पे, हाँ
नमस्कार, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आप मिनी पंजाब कहते हो, आप एक काम करो, आप पंजाब फोन लगाओ, आप पंजाब में लोगों को जानते हो, पंजाब में फोन लगाओ, कहो कि राहुल गांधी आया था छत्तीसगढ़, उसने अपने भाषण में एक बात कही, क्या यह सच है या झूठ। मैं पंजाब गया, चुनाव का समय था, मैंने ऐसे भाषण में बोला, देखिए अगर नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकता है, तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी पंजाब के किसान का कर्जा माफ करके दिखाएगी। आप पंजाब फोन लगाइए, उनसे पूछिए कर्जा माफ हुआ हां या ना। उसके बाद आप कर्नाटक फोन लगाइए, कर्नाटक में भी मैंने यही बात बोली, सरकार आएगी किसान का कर्जा माफ होगा, और वहां मैंने बोला 10 दिन के अंदर होगा। आप कर्नाटक फोन लगाइए, पूछिए जरा भैया कर्नाटक में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कह रहा था किसान का कर्जा माफ कर्नाटक में होगा, हां या ना, आपको बता देंगे। तो मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं, मैं झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आपको, किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को आज 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात, चुनाव के 10 दिन बाद अगर यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ के हर किसान का कर्जा माफ होगा। अभी मैंने खत्म नहीं किया, देखिए मोदी जी 15-20 लोगों के लिए लिस्ट बनाते हैं, सिट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, सब कुछ उनके लिए। आज मैं भी दो तीन चीजें किसानों को कहना चाहता हूं। पहला काम, आपका कर्जा माफ, ठीक है। दूसरा काम, धान की MSP, धान का आपको 2500 रुपए मिलेगा। तीसरी बात, ये जो 15 क्विंटल का लिमिट है, इस 15 क्विंटल के लिमिट को हम खत्म कर देंगे। चौथी बात, बीजेपी की सरकार ने किसानों का बोनस खत्म किया, तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम आपको, किसानों को बोनस देने का काम शुरू कर देंगे। और बीजेपी ने जो आपसे वायदे किए और जो तोड़े, मैं उनकी भी मदद करना चाहता हूं। उन्होंने आपसे वायदा किया था कि वो आपको बोनस देंगे, 2 साल उन्होंने आपको बोनस नहीं दिया, तो पिछले 2 साल का भी बोनस कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को दे देगी, लो। और हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके खेत के बिल्कुल पास